इन दिनों ऐसा लगता है बीजेपी में कुछ सही नहीं चल रहा है। ये हम नहीं, ये खबर को जानेंगे तो आप भी यही कहेंगे, क्योंकि बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने अब एक नई बहस को जन्म दे दिया है। अगर उनके बयान को समझा जाए तो इसके मायने भी बहुत हैं। आखिर क्या कुछ है वो जानते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, चाहे विषय कोई भी हो। इतना ही नहीं, अपनी राय भी बेबाकी से रखते हैं, और इस बार उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसने राजनीतिक दलों और चिंतकों को अचंभे में डाल दिया है। बयान सुनेंगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर नितिन गडकरी ने ऐसा क्यों कहा है। सबसे पहले आप इस बयान को सुनिए। पॉलिटिक्स इज ए ट्रू इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। सामाजिक आर्थिक परिवर्तनाचा राजकारण प्रभावी अंग है। तो सुना आपने नितिन गडकरी का साफ साफ कहना कि आज की जो राजनीति है वो सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए है। इतना ही नहीं, उन्होंने मौजूदा सियासी हालात और माहौल को लेकर बड़ी चिंता जाहिर की है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लगता है कि मैं कब राजनीति छोड़ दूं और कब नहीं, क्योंकि जिंदगी में करने के लिए और भी कई चीजें हैं। अब नितिन गडकरी के इस बयान की सियासी गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। हम बनाते हैं आपके किचन को आकर्षक, स्टाइलिश और हाइजीन। अपने किचन को दे नया लुक। इतना ही नहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कुछ ऐसा बयान दिया है जिससे लगता है बीजेपी में कुछ भी ठीक नहीं है। एक बार राजनाथ सिंह का बयान भी सुनिएगा। बहुत सारे लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करते हैं। मैं भी एक विशेष राजनीतिक दल से आता हूं। मैं भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करना चाहता और किसी प्रधानमंत्री की नीयत पर मैं कोई सवाल या निशान भी नहीं लगाना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं नीयत में किसी की खोट नहीं हो सकता है। नीतियों को लेकर विवाद हो सकता है, नीतियों को लेकर तो हम आलोचना कर सकते हैं, लेकिन किसी की नीयत के ऊपर मैं कोई सवाल या निशान नहीं लगाना चाहता। सुना आपने, राजनाथ सिंह का कहना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीयत पर सवाल नहीं, मैं उनकी आलोचना नहीं करना चाहता। एक ओर जहां बीजेपी और उनकी पूरी फौज कांग्रेस मुक्त भारत को कह रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ और ही रंग नजर आ रहा है। अब इस मामले पर सोशल मीडिया पर भी खूब कमेंट्स और प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कांग्रेस नेता जयराम नरेश ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि पहले राजनाथ सिंह जी ने और अब नितिन गडकरी जी ने अपने मन की बात कही है। क्या ये जलवायु परिवर्तन के संकेत है? राजनाथ जी और गडकरी जी की अंतरात्मा की आवाज जोर मार रही है। इस पर सपा नेता आईपी सिंह ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि मोदी जी और अमित शाह की सत्ता की भूख और दोनों का उनके साथ खराब आचरण के कारण होनहार राजनीतिज्ञ 62 वर्ष के श्री नितिन गडकरी ने सत्ता के शिखर पर रहते हुए राजनीति छोड़ने की बात गंभीरता से कर रहे हैं। मोदी जी की सत्ता की भूख बढ़ती जा रही है, जबकि उन्हें राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। अब बीजेपी के दिग्गज नेताओं में ऐसा क्या हुआ है कि जो ऐसे बयान दिए जा रहे हैं? क्या कोई परिवर्तन है या कुछ सही नहीं है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें।